आ चुके हैं एक और नई जबरदस्त पब्जी मोबाइल की वीडियो के साथ वापस और भाई साहब आज के गेम प्ले में आपको मजे आ जाएंगे वैसे गेम प्ले मैंने लगाया स्कैड का बट मेरे लिए रहेगा सोलो वर्सेस स्कैड बिकॉज मैंने ड्यू मतलब मैं और मेरा टीम खेल रहे थे और दो रैंडम थे बट मेरा टीम मर जाएगा थोड़ी से टाइम की बाद ही और बाद में मैं बचूंगा अकेला और मेरे रैंडम्स मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे कोई एक आधी जगह देंगे मामूली मोटा वो भी कोई एक आधे बंदे को मारने में बट जो सोलो स्क्ट के कलच हैं ना इस गेम में भाई देख के आपको मज़े आ जाएंगे कम से कम तीन से चार मतलब मैंने बारह तेरह बंदे सोलो मतलब पूरी की पूरी स्केट चार 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 के बंदे और पूरे के पूरे धड़ लपेटे बिल्कुल मतलब चढ़ से खत्म कर दिया तो पूरा का पूरा मजा आएगा और मेरा एक रैंडम टीममेट कह रहा भाई पोचिंग की चल पड़ बट मैंने कहा भाई मतलब कहा क्या मैं बोलना ही नहीं कुछ मैं पोचिंग की वो की नहीं जाएंगे भाई जाएंगे तो टेंट पे बिकॉज आज पे टेंट पे शादियाँ बहुत हो रही हैं लड्डू लड्डू बढ़ रहे हैं तो बंदे थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं उनका लड्डू जो है ना वो हम छीनेंगे मतलब खाने नहीं देंगे किसी को भी लड्डू तो यहाँ पे हम गए बट मेरे को कोई नहीं दिखा स्टार्टिंग में बट कोई बात नहीं कोई एक आधा बंदा उतरा मतलब पता नहीं कैसे उतरा मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखा मेरा जो अंतर्यामी जो तीसरी दृष्टि उसमें एक भी नहीं दिखा बट मेरे को यहाँ पे नीचे स्पॉट होते हैं दो तीन तो भाई यहाँ पे दो बंदे आए थे मतलब एक मेरे टीम तीन आए थे एक मेरे टीममेट ने मार दिया मतलब जो रैंडम्स थे और दो मैंने धर लपेटे इसके बाद भाई मतलब यहाँ पे अब क्या था लूट के मामले पे बस लूट चाहिए थी अपने को तो अच्छी अच्छी गन जो भी मेरे को मिल सकती थी मैंने उठा ली एम फोर ए के एम एम सेवन सिक्स टू मतलब मेरा जी तो कर रहा था एक साथ पांच पांच बंदों के उठा लूँ मतलब सामने से सा अगर दस बंदे भी आए तो लपेट लें इसके बाद क्या होता है एक दो तो बोट मेरे टीमेट्स पर हमला कर देते हैं तो उनको फिर मैं मतलब लपेटने में उनकी हेल्प करता हूँ थोड़ी बहुत और भाई बोटों का हमला थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है तो इसके बाद हम जाते हैं दूसरे टेंट पे पोचिंग की साइड से होके दूसरे टेंट पे जा रहे थे बिकॉज वहाँ पे अब मेरे को सोलो स्कैड का गेम निकालना था अपने टीममेट को मरवा के अपना सोलो स्कैड का गेम कंटेंट तो बनाना है ना भाई तो वहाँ पे मैं जाता हूँ और मतलब मेरा टीममेट मेट वहाँ पे जाते उसको दर्द बोझ लिया जाता है आगे से पीछे से पता नहीं किधर किधर से उसको पढ़ रही थी पढ़ मेरे को भी रही थी पर देखना किस टाइप से बसते हैं तो इधर हमने तो सोचा एक बार स्टार्टिंग में क्या पता कोई एक दो बंदे ही होंगे तो मैं जैसे ही मतलब इसके पास ले गया भाई डिवाइस इतना रेंडर होने लगा ना मतलब मेरे समझ से बाहर हो गया मैं इतने कितने बंदे हैं और जैसे ही पास में पहुंचते मेरे को चार बंदे सामने फाड़ी पे देखते हैं तो मैंने सोचा चलो साइड में गन मतलब गाड़ी रोक के पहले इनका ही कचुमर बनाते हैं इनको पाता लोग भेजते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था भाई मैं मतलब अब जो मेरे टीममेट पे आगे से पीछे से चारों तरफ से गोलियां पड़ेंगी समझ में भी नहीं आएगा तो वही हुआ उसको तो मतलब नॉकआउट कर दिया और मैं रिवाइव दे नहीं सीखता था बिकॉज जैसे ही बैठता पीछे से पड़ रही थी आगे से भी पड़ रही थी बट मैंने कोशिश की और एट द एंड नहीं बचा पाया बट इस बंदे को तो मारना पीछे वाले को तो मारना था तो कैसा लगा ये वाला ड्रॉप शॉट बहुत ही मतलब मैं पूरा मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसके साथ गया और इजीली उसको लपेट दिया मे बी मैं मर सकता था बट कोई नहीं विश्वास था तो यहाँ पे मेरे पास हेल्थ थी नहीं तो मैंने मेरे टीममेट से जैसे ही हेल्थ लेता हूँ बट पता नहीं किधर से मतलब पता नहीं किधर से आके एक बंदा कार नाइनटी वाला और भी पीछे से मतलब अलग ही स्क्वेड यहाँ पे तीन चार पाँच पता नहीं कितनी सारी स्क्वैड आपस में फाइट कर रही थी तो मैंने उसको कहा तू तो इधर आ जा मैं तेरे को रिवाइव करता हूँ बट तभी मेरे पे आती है एक मतलब कार नाइनटी एट की पट से कान होते हैं ना उनके पास से निकलती है और मेरे टीममेट को कर देते हैं फिनिश अब बारी थी भाई सारे के सारे बंदे को लपेटने के अब मेरे पर मतलब अकेले पे दार था रैम रेंड, रैंडम से वो साथ देने का नाम नहीं ले रहे थे तो मैं पहले तो मैंने सोचा यार यहाँ से घड़ी लेके निकलते हैं वरना भाई पेटी बनने में अपना मतलब टाइम नहीं लगेगा और इस बोट को मैं बैठा के पूरा का पूरा ही मतलब इसको पाताल सौरग लोग हर जगह पहुँचा दिया तो मैं पूरा फ्लैंग फलूंग मार के इस साइड मतलब ये पूरी जो चोटी होती है इसके ऊपर आ जाता हूँ मतलब दूसरी पहाड़ी पर बिकॉज बंदों को पीछे से स्कैम करेंगे और यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को एक बंदा दिखता है तब भी फिर मैं मतलब भाई अपनी एम फोर ऊपर थ्री एक्स करता हूँ सिक्स एक्स को और फिर देखो तो भाई इस बंदे को तो मैंने जर से ख़त्म कर दिया और तभी मेरा एक रैंडम था उसको समझ में आ गया था भाई मतलब दूसरे रैंडम के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है इस रैंडम के साथ चलते हैं ये बचा के रखेगा मतलब ये आ गया बट ये एक अलग ही तरह से आया ये अपनी गाड़ी लेके अलग ही फिर रहा मतलब इसको ये था कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा रहूँगा साथ में बट अपनी गाड़ी रखूँगा क्या पता यह धोखा कर दे स्कैम कर दे कुछ भी हो सकता है माइनस प्लस का डर बहुत रहता है आजकल लोगों को तभी मैं यहाँ आता हूँ और जो वो बंदे जो मैंने नोक किए थे वो वेरा उस तक जा चुके थे फिर वेरा उसमें एक्सपोर्ट होता है मेरे को और जैसे ही इस वेयर हाउस वाले को नोक करता हूँ मैंने सोचा यार पहले थोड़ी सी एम एम उठा ली जाए थोड़ी सी कमी बची है और मेरा रैंडम टीममेट पता नहीं भाई क्या ही नशे कर रहा था मतलब धुएं के अंदर से बीड़ी फूकता हुआ सिगरेट फूकता हुआ जा रहा उसके अंदर से घुसा रहा बंदों पर पुस नहीं करा बट मैं कर देता हूँ पुस और यहाँ पर भी एक नहीं दोस्त फाइट कर रही तो मैं यहाँ पे इसके अंदर वेरा उसके अंदर आता हूँ तो बाहर मतलब जो इस मेरे टीम जो मैंने एक बंदा नोक किया था उसका टीम को एक दूसरी स्काइड के बंदे ने मार दिया तो अब मेरे पास मतलब और वो हो गया थोड़ा सा यार दिल दुखने लगा कि भाई एक मेरी किल चुरा ली गई मतलब वरना शायद एक दिक्ल और ज़्यादा होती तो अब इस बंदे को भी मारना था तो मैं जैसे जैसे आगे आता हूँ वो भी आ जाता है पीछे से और भाई साहब यहाँ पे क्या होता है कि उस बंदे ने और मैंने एक साथ मतलब जंप शॉट मारा और वहीं पे हो गया बट यहाँ पे फिर मैं आता हूँ रोजोक की तरफ और रोजोक में भी एक पूरी स्क्वाड की स्क्वाड फाइट कर रही और ये वाली स्क्वाड आप देख के मतलब मजे आ जाएंगे आप गारंटी देख लेना आप मैं कैसे मारता हूँ इनको तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पहले बंदे को नोक करता हूँ मैं कर देता हूँ क्लोज इन बिकॉज यार बंदे मारने थे अपने को किल चाहिए मतलब मर जाएंगे मर जाएंगे केडी चली जाएगी टायर चली जाएगी कोई मैटर नहीं करता मैटर करती है किल्स मज़े आने चाहिए गेम देख के मतलब यार आपको भी तो अग्रेसन मतलब यार फील आनी चाहिए बंदा कैसे अंधा घुस रहा है क्या सीन हो रहा है तो तभी मैं क्या होता है कि भाई पहले तो इधर चेक करता हूँ कि इधर से मेरे को कोई स्पोर्ट हो जाए बट फिर क्या होता है कि मैं सोचता हूँ यार घर की तरफ चलते हैं इधर जाते हैं और यहाँ पर मैं मेरा आईपैड थोड़ा मेरा साथ छोड़ देता है और देखना भाई किस टाइप से इन बंदों को मारूँगा भाई आप मतलब रिफ्लेक्स देख के आप मजे ही आ जाएंगे यहाँ पे पता नहीं मेरे आईपेड को क्या नशे हो गए थे भाई साहब इस बंदे को क्या ही मारा ना तो यहां पे मेरा आईपैड पता नहीं एक टाइम के लिए जो मतलब पहले बंदे को मारा एक जगह पे मतलब जो मेरा थंब होता है जिससे मैं रिकॉइल कंट्रोल करता हूँ वो गायब ही हो गया उसका सिस्टम चल ही नहीं रहा था पता नहीं क्या ही सीन हो गया था बट इसके बाद मेरे को पता था इनका लास्ट बंदा किधर है बिकॉज मैंने पहले नोक किया था तो उसको इन्होंने रिवाइव किया ही होगा और फिर मैं कर देता हूँ उसके ऊपर भी अंधापुष और फिर मेरा जंप सुट देखो मतलब इस बंदे को समझ में भी नहीं आया कि इसके साथ क्या ही हुआ और पूरी की पूरी स्कैड में खा गया अकेले का अकेला बट मेरा जो एक रैंडम था ना वो तेज था उसको फ्लेयर मिल गई होगी वो अकेला अकेला लूटने में मतलब लग गया कि मैं अकेला लूट लेता हूँ बट उस पर भी हो जाता है कहीं से पुस अब वही बात है यार हम ऐसे नहीं है कि भाई हम अपने रैंडम्स को जाने दें बंदे मारने थे तो मैं कर देता हूँ पुस और यहाँ पर फिर देखो क्या ही मतलब इन बंदों का कुत्ता बनाते हैं मतलब थकड़े वाला लपेटेंगे भाई इनको मजे ही आ जाएंगे आप सभी को देख के ना पैर तो यहाँ पे मैं एक बंदे को नोक करता हूँ तो मेरा टीम मेट कहता है नॉट बैड मैं मतलब मैं मेरा माइक ऑन करके मैं इनको कह रहा था भाई तुम तो मेरा साथ नहीं दे रहे मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ इस टाइप से मैं काफ़ी बातें कर रहा था इनके साथ ये नहीं बोल रहे थे मेरे साथ इनमें से एक ने भी माइक ऑन नहीं किया बट मैं काफ़ी मजे ले रहा था इनके तो उसके वजह से ये इनको थोड़ी सी हैसी भी आ रही थी बिकॉज मैं फनी बातें भी कर रहा था साथ साथ में इनके साथ बट अब क्या था कि भाई वो सामने वाले बंदे नोक हो गए थे तो पिक विक भी नहीं कर रहे थे और एक मेरे टीममेट रैंडम ने भी नोक कर दिया था बट इसके बाद क्या होता है वो फिर से पिक करते हैं थोड़ी देर के बाद मतलब वही बातें यार चुल हर बंदे को होती है कि भाई मैं किल ले लूँ मेरे से ऊपर भगवान ही नहीं है कोई फिर देखो इनको फिर से कैसे मारते हैं तो ये वाला कार्नोरी टिट का सूफ कैसा लगा बताना कमेंट्स के अंदर बट इसके बाद क्या होता है यार मैंने कहा भाई अब अपने बस की बात नहीं रही मतलब अपने बस से बाहर हो चुका है दो बंदे नोक पड़े हैं तो अब यार मतलब एक जगह पर बैठा रहना अपने तो मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैं अपना मतलब अंधा पुस कर देता हूँ और यहाँ पर नेड वेड हर कमरे में फेंक देता हूँ मेरे पास तीन नेड थे एक पैनिक रूम में फेंक देता हूँ एक मिडल में फेंक देता हूँ और एक ऊपर की तरफ छत में भी फेंक देता हूँ मैं भी कोई ऊपर मतलब हो तो उसको भी पेटी वेटी बन जाए तो यहाँ पे बट मैं जाने की कोशिश करता हूँ पता नहीं क्या ही गली चोता है यहाँ पे मैं टक्के खड़ा हो जाता हूँ मैंने कहा यार एक आधी किल मिल रही है उसको क्यों मतलब भाई हाथ से निकाल रहे हो मेरा टीममेट लेके टीपीपी ले रहा है मैं टीपीपी वीपीपी क्या ले रहा है भाई आ जाना अंधा घुसते हैं तो भाई यहाँ पे मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया मतलब जो मैंने नोक किए थे वो भी रिवाइव होकर बेचारे चले गए बस मेरे को मिली चार में से सिर्फ दो ही किल और मैं लेना जहाँ पे चाहता था चार किल मतलब यहाँ पे रैंडम्स ने मेरे साथ थोड़ा धोखा किया अब तक जो साथ नहीं दे रहे थे अब वो, मतलब वो भी मेरे साथ धोखा करने लगे तो बाद में मैंने कहा भाई मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा मैं कैसे भी अकेला मर जाऊंगा बट तुम्हें नहीं बैठाऊंगा भाई मतलब मेरी दो किल चुरा ली तुम लोगों ने ऐसा तो नहीं होता ब्रो तो इसके बाद मैं आता हूँ भाई अपार्टमेंट की तरफ यहाँ पर मेरे को स्टार्टिंग में मतलब मैं जब पीछे से गाड़ी लेकर आता तो मेरे को गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही थी मेरे को लग रहा था कि अपार्टमेंट में बंदे तो पक्के अब ये नहीं पता कौन से अपार्टमेंट में थे कहाँ पे थे कहाँ पर कैंप कर रहे थे तो मैं वापस गाड़ी फिर आता हूँ पीछे से ले जाके मतलब मैंने सोचा कि अगर वो दूसरे कंपाउंड में होंगे तो इधर उधर आ जाएंगे और साउंड वाउंड आ जाएगा तो मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पर को आते हैं फुटस्टेप और यहां पे मैं घुसा देता हूं फिर और यहां पे देखो यह वही वाला सीन जो आपने स्टार्टिंग में देखा था भाई यहाँ पे मतलब इन बंदों को दोनों को तो मैंने मतलब एक स्प्रे में पूरा का पूरा मारने की पूरी पूरी ट्राई की और मैंने मार भी दिया और तब इन बंदों ने सीढ़ी पे कर दिया नेड़ कि इनको लगा कि माऊँगा तो ये मतलब फट जाएगा बट क्या हुआ इसी चक्कर में एक स्कैम हो गया इनका खुद का बंदा ही फट गया तो अब मैंने एक बार तो सोचा मैं हेल्थ वेल्थ लगाता तो, हूँ बट बाद में कहा यार नोक नोक है इसी यही सही मौका है तो मैं कर देता हूँ अंधापूस और फिर देखो इनको किस टाइप से शक्तिमान बनता है तुम्हारा भाई और भाई अपार्टमेंट की ये बेस्ट ट्रिक मान लो मतलब आप ऊपर बंदे कैंप कर रहे हो ना तो ऐसे ही आओ फायर करो डायरेक्ट जंप करके नीचे चले जाओ बंदों को समझ में भी नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ तो इसके बाद मैं इधर आता हूँ बंदे बंदे स्पोर्ट होते हैं मतलब इस कंपाउंड में छोटे से में बिकॉज अब लास्ट के कुछ ही बंदे बचे थे तो इसको मतलब मैंने स्टार्टिंग में, में मेरे टीममेट भी अब थोड़ा थोड़ा मेरे पास में थे ज्यादा दूर नहीं थे तो फिर देखो जैसे इस बंदे को मैं नो करता हूँ मैंने सारा मतलब भाई एनिमीज हेड लगा दिया कि भाई तुम्हें भी मारना हो तो मार लो इधर ही है बंदा और इसके बाद बट मैं इनको मौका ही नहीं देता इनको मारने का बिकॉज मेरे को यहाँ से एंगल मिल जाता है और यहाँ से जो दूसरा बंदा था उसको भी पट से हेड से उठ देखे चट से मतलब उसको भी भेज दिया गया अब बच्चे थे कुछ लास्ट के लिमिटेड बंदे जिनको बस बिल्कुल ही लिमिटेड बोलते हैं और तभी मेरे को एक बंदा सपोर्ट भी हो जाता है बेचारा भागा भागा जोन की तरफ आ रहा था बट इस बंदे को मार रहा था तभी जो पास वाले कंपाउंड है इसमें से भी एक बंदा आ गया और भाई यहाँ पे मेरे टीममेट ने चुरा ली मेरी तीसरी किल मतलब यहाँ पे आज मान लो जितनी मेरी किल हुई है उसमें से तीन से चार किल तो मेरे रैंडम्स ने चुरा ही ली अब क्या ही बोल सकते है भाई हैं भाई रैंडम्स है कुछ कर भी नहीं सकते इनको कुछ कह भी नहीं सकते नेट से उठाऊंगा फिर आप कहोगे यार गलत कर रहे हैं बेचारे रैंक के साथ तो वो मैं करना भी नहीं चाहता बिकुज यार वैसे गलत करने में फ़ायदा भी क्या यार मज़े आने चाहिए तो गेम का पूरा पूरा इन्जॉय लिया मैंने और आप भी ले ही रहे हो तो यहाँ पे अब इस बंदे को नोक किया तो मैंने सोचा इनका मतलब उसका जो रिवाइव करने वाला बंदा होगा वो भी वही होगा बट वहाँ पे कोई था नहीं तो इधर गाड़ी खड़ी थी मैंने कहा यार अब अपने से मतलब पैदल वैदल तो बहुत हो गया पैर वैर दुखने लगी इतनी ज़्यादा मतलब डाइटिंग करेंगे पैदल घूमने वाली तो ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो गाड़ी लेके मैं निकलता हूँ और प्ले जोन से ही मर गया वो बेचारा जो कुछ पता नहीं कैसे तो बट इधर आता हूँ तो इधर मेरे को एक दिखता है सांप और तो भाई साहब इस बंदे को भी मैं खा जाता हूं जड़ से और यहां पे हो जाता है मतलब एक टाइप से सोलो का ही गेम प्ले मान लो बट थी तो वैसे हमारी टोटल मिला के थर्टी मतलब हमारी पूरी की जिसमें से बीस मेरी थी छह चार एक ऐसे कुछ करके किल्स थी तो काफ़ी हाई और काफी इंटेंस गेम था जैसा आपने देखा इंटेंस इंटेंसिटी गेम की काफी ज्यादा थी तो कमेंट्स में बता देना कैसा लगा और आप काफी दिन से डिमांड भी कर रहे थे स्कैड का गेम प्ले लाओ एक टाइप से स्कैड का ही था बट मैं मेरी प्रॉपर स्कैड जिनके साथ मैं खेलता हूँ चाहे वो मेरी प्रॉपर हो टाइम पास हो कैसी स्कैड हो उसका भी आजकल में परसों में आ जाएगा जल्दी से तो और भी ज्यादा मजा आएगा ये वाला कैसा लगा कमेंट्स में बता देना और लाइक टारगेट रखते हैं अपना पचास साठ सत्तर हजार करोड़ लाइक करवा दो इस वीडियो के ऊपर और जुलाई जुलाई यार आठ दस दिन बचे सब्सक्राइब टारगेट रखें रक...